इसराइल के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वहाँ के लोग भगवान से भी ज्यादा अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर भरोसा करते हैं। चाहे भगवान उनकी रक्षा करने पहुँचे या नहीं, लेकिन आयरन डोम डिफेंस सिस्टम उन्हें किसी भी मिसाइल या ड्रोन के हमले से 99% तक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। यही वजह है कि कोई भी मुस्लिम देश इसराइल का बाल भी बांका नहीं कर पाता। एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स के मामले में इसराइल सबसे आगे है। भारत के साथ इसराइल के बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं और वर्तमान में भी भारत इसराइल को कई हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है। पिछले 8-10 वर्षों में भारत और इसराइल के रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं। इसी कारण जब भी इसराइल को मदद की आवश्यकता होती है, भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है, और यदि भारत को मदद की जरूरत हो तो वह भी बड़े आत्मविश्वास के साथ इसराइल की सहायता लेता है। और इस समय भारत को एक शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम की अत्यधिक आवश्यकता है। एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल दुश्मन देशों के ड्रोन और छोटे विमानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। आपको यह भी पता होगा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन का इस्तेमाल कर लगातार भारत की सीमा में ड्रग्स और हथियार गिरा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान के इन तस्करी वाले ड्रोन्स, बल्कि आजकल जो युद्ध क्षेत्रों में तैनात कामकाजी ड्रोन आतंक फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी भारत को एक मजबूत और भरोसेमंद एंटी ड्रोन सिस्टम की जरूरत है। अगर एक उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं होता तो युद्ध में सैनिकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा हो सकता है। इसका उदाहरण हमने आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध और बाद में रूस और यूक्रेन के संघर्ष में देखा है, जहां कैसे एक साधारण ड्रोन भी एक बार में 10 से 12 सैनिकों की जान ले सकता है। इसीलिए आधुनिक युद्धों में एंटी ड्रोन सिस्टम का होना एक रणनीतिक जरूरत बन गया है। कामिकाज ड्रोन अब इतने उन्नत हो चुके हैं कि ये बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को भी निशाना बना सकते हैं। इसलिए देश की सेना के पास एक अत्याधुनिक और हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम होना आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। भारत की कुछ कंपनियां एंटी ड्रोन सिस्टम्स बना रही हैं, लेकिन वे अभी भी इसराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम्स जितने उन्नत नहीं है। इसी कारण भारत ने फिलहाल के लिए इसराइल से मदद मांगी है। खबरें आ रही हैं कि राजधानी दिल्ली में भारत और इसराइल के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। यह कोई छोटी मोटी बैठक नहीं थी, बल्कि 2 से 4 सितंबर तक लगातार 3 दिनों तक यह बैठक चली। इन बैठकों का मुख्य फोकस रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर था। बैठक में इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टरेट फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारी शामिल थे, जो इसराइल के रक्षा निर्यात का प्रबंधन करते हैं। इसके अलावा दिल्ली स्थित इसराइल की एम्बेसी से इसराइल की इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट की टीम भी मौजूद थी। उनके साथ साथ इसराइल की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, इसराइल एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट और इसराइल एम्बेसी के अन्य अधिकारी भी इस बैठक में शामिल थे। ये सभी इसराइल सरकार के अधिकारी थे जो इस महत्वपूर्ण बैठक में भाग ले रहे थे। इसके साथ ही इसराइल की कई प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अधिकारी भी इन बैठकों में भाग लेने के लिए भारत आए थे। वहीं भारत की ओर से भारत की रक्षा मंत्रालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM के अधिकारी इस महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल थे। खबरों के मुताबिक इन 3 दिनों के दौरान भारत और इसराइल की टीमों और दोनों देशों की कंपनियों के बीच साइडलाइंस पर 150 से भी ज्यादा व्यापारिक बैठकें हुईं। इन 3 दिनों की सेमिनार और उच्च स्तरीय बैठकों का मुख्य उद्देश्य था इजरायली कंपनियों को मेक इन इंडिया के तहत भारत में हथियार निर्माण के लिए आमंत्रित करना। दूसरा उद्देश्य था इजरायल और भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के बीच बातचीत और साझेदारी को बढ़ावा देना, ताकि दोनों देशों की रक्षा कंपनियां संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में उन्नत हथियार निर्माण कर सकें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास था। इसका उद्देश्य भारत को ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस करना है जो कि देश की सुरक्षा चुनौतियों, विशेषकर ड्रोन और छोटे विमानों के बढ़ते खतरों का सामना करने में सक्षम हो। इस बैठक से उम्मीद की जा रही है कि भारत और इसराइल की कंपनियों के बीच सहयोग और भी गहरा होगा, जिससे देश को अपनी रक्षा क्षमता को और सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
खबरें आ रही हैं कि भारत सरकार ने एक एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए इसराइल से मदद मांगी थी, जिसके जवाब में इसराइल ने भारत को कई सॉल्यूशंस और विकल्प ऑफर किए हैं। जानकारी के अनुसार 3 इजरायली कंपनियां डिफेंस सॉल्यूशंस, सेप्टर और सेंट्रिक्स ने साइबर और रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम भारत को पेश किया है। यह सिस्टम किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट करने में सक्षम है, लोकेट करने और उसे न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा एक अन्य इजरायली कंपनी स्मार्ट शूटर और थर्ड आई सिस्टम नाम की कंपनी ने भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विजन और रोबोटिक्स सिस्टम्स ऑफर किए हैं, जो ड्रोन और छोटे विमानों की डिटेक्शन और पहचान में सक्षम हैं। राफेल, एल्बिट सिस्टम्स और स्काईलॉक जैसी 4-5 अन्य इजरायली कंपनियों ने भी अपने एंटी ड्रोन सिस्टम भारत को पेश किए हैं। ये सिस्टम सेंसर्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन आधारित तकनीकों पर आधारित हैं, जो ड्रोन डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट का उपयोग कर रहे हैं। अब भारत की रक्षा मंत्रालय के सामने यह अहम निर्णय लेना है कि इनमें से कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम भारत की आवश्यकताओं को सबसे अच्छी तरह से पूरा करता है। सिलेक्शन के बाद ही इन सिस्टम्स के भारत में ट्रायल्स शुरू होंगे और यदि ये ट्रायल्स सफल रहते हैं तो इन्हें भारतीय सेना के लिए खरीदा भी जा सकता है। भारत की प्राथमिकता यह है कि इसराइल के जो भी एंटी ड्रोन सिस्टम चुने जाएंगे वे मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्मित हों। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत इसराइल की तुलना में एक बहुत बड़ा देश है और हमें काफी बड़ी संख्या में एंटी ड्रोन सिस्टम्स की आवश्यकता होगी। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि इसराइल ने भारत की पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। इसराइल की मदद से उम्मीद है कि भारत को एक एडवांस्ड, भरोसेमंद और मजबूत एंटी ड्रोन सिस्टम जल्द ही मिल जाएगा। ये सहयोग न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को भी और मजबूत करेगा। इस साझेदारी के तहत इजरायली टेक्नोलॉजी का उपयोग भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाएगा, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा और भविष्य में भारत स्वयं एंटी ड्रोन सिस्टम्स के विकास और उत्पादन में सक्षम होगा। यह कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।